अस्सलामुअलैकुम, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे फाइवर के ऊपर मल्टीपल प्रोफाइल्स की। क्या आप फाइवर के ऊपर मल्टीपल प्रोफाइल बना सकते हैं या नहीं बना सकते, अगर बना सकते हैं तो किस तरह से बनानी है और कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो नॉर्मली फाइवर की तरफ से ऑफिशियली बात है कि आप मल्टीपल प्रोफाइल नहीं बना सकते। एक बंदा एक ही प्रोफाइल बनाए और उसके ऊपर अगर उसकी डिफरेंट सर्विसेज हैं तो डिफरेंट सर्विसेज की गिग्स लगा सकता है, राइट। तो यहाँ पे फाइवर ने तो डिक्लेयर कर दिया, लेकिन क्या अभी हम मल्टीपल प्रोफाइल बना सकते हैं? जी हाँ, बना सकते हैं। और किस तरह से बना सकते हैं और क्यों बनानी चाहिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्यों बनानी चाहिए। ऑब्वियसली बात है, आपके पास एक इनकम सोर्स है, एक फाइवर प्रोफाइल है। अगर उसके ऊपर कभी भी कोई भी इशू आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तो आपके पास दूसरी प्रोफाइल तो है ना जहाँ से आपकी इनकम कंटिन्यूस आ रही है, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न हो सकता है आपका एक प्रोफाइल के ऊपर कम ऑर्डर्स आ रहे हैं, दूसरी प्रोफाइल के ऊपर ज़्यादा आ जाएं, एक मंथ नेक्स्ट मंथ दूसरी प्रोफाइल पे ज़्यादा आ जाए और पहली वाली पे कम आ जाए, तो आपको वो इनकम जो शीट है, इनकम वो बैलेंस रहती है। आपको परेशानी नहीं होती कि यार एक ही इनकम सोर्स है, इससे पैसे आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए और मैं बैठा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इशूज़ हैं। उसके बाद जो है हमारे पास, दूसरी चीज़ हम देख सकते हैं वो ये देख सकते हैं कि हमारी जो इनकम है वो कांस्टेंट चल रही है, ठीक है। आप मल्टीपल प्रोफाइल्स, कांस्टेंट से मुराद लेट्स से आपकी दोनों प्रोफाइल्स अच्छी चल रही हैं, तो एक प्रोफाइल से आप $400 कमा रहे हैं, अगर आपकी दो प्रोफाइल्स हैं तो आप $800,000 कमा रहे हैं, तो मतलब आपकी इनकम जो है वो डबल हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेरे मुताबिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ऑब्वियसली बात है, हम यहाँ पर फाइनेंशली जो है स्टेबल होने आए हैं, इस वजह से हमें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मल्टीपल प्रोफाइल्स बनाएं, चाहे आपके पास स्किल्स है कि तभी भी आपके पास मल्टीपल प्रोफाइल्स होनी चाहिए। अभी बात करते हैं कि मल्टीपल प्रोफाइल्स आप किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात, आपने एक ही लैपटॉप के ऊपर दो मल्टीपल प्रोफाइल्स नहीं बनानी, कभी भी नहीं बनानी। एक लैपटॉप एक प्रोफाइल, राइट। इंटरनेट चाहे आपका सेम हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इंटरनेट जो है वो भी डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन मैं पिछले 7 सालों से फाइवर इसी तरह से यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास डिफरेंट लैपटॉप्स हैं, डिफरेंट डिवाइसेस हैं। लेट्स सपोज एक लैपटॉप के ऊपर मेरा एक प्रोफाइल है, दूसरे लैपटॉप के ऊपर दूसरी प्रोफाइल, तीसरे मोबाइल के ऊपर तीसरी प्रोफाइल। इसी तरह से मेरे पास डिफरेंट डिवाइसेस हैं जिनको मैं यूज़ करता हूँ, और उन डिवाइसेस के ऊपर, हर डिवाइस के ऊपर एक अलहदा से प्रोफाइल है, राइट। इससे क्या है कि मेरे इनकम के चांसेस बढ़ रहे हैं, तो आपको भी ये करना चाहिए। तो इस तरह से मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब बहुत सारे लोग और काफ़ी सारे मेथड्स बताते हैं, जैसे वो कहते हैं कि आप RDP ले लो, या एक ही लैपटॉप के अंदर डिफरेंट ब्राउजर्स बना लो, और डिफरेंट ब्राउज़र बनाने के बाद हर ब्राउज़र के ऊपर क्या कर सकते हैं आप एक्सेप्टेड प्रोफाइल बना सकते हैं। ये बिल्कुल नॉन रिकमेंडेड मेथड है मेरे ख्याल से, काफ़ी रिस्क इन्वॉल्व है इसके अंदर। अगर आपकी एक प्रोफाइल उड़ी तो सारी उड़ेंगी, राइट। अगर आपकी डिवाइस हर लैपटॉप हर प्रोफाइल के लिए डिफरेंट है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसका सबसे अच्छा मेथड, लेट्स से आपके पास डिफरेंट प्रोफाइल्स नहीं है, सॉरी डिफरेंट डिवाइसेस नहीं है, आपके पास सिर्फ एक लैपटॉप है, तो आप फैमिली में से किसी का यूज़ कर सकते हैं। अगर लेट्स से आप तभी भी यूज़ नहीं करना चाह रहे, या तो इसका सबसे बेहतरीन हल जो मैं अक्सर रिकमेंड करता हूँ वो ये है कि लेट्स सपोज एक मेरे पास मोबाइल है, वो तो हर बंदे के पास होता है। सिमिलरली एक लैपटॉप है, वो भी आपके पास है। अगर आप ये सीरीज़ देख रहे हैं तो आपने एक प्रोफाइल जो है वो बनाई अपने लैपटॉप के ऊपर, और वही प्रोफाइल आपने अपनी फाइवर ऐप के ऊपर कर ली मोबाइल के ऊपर, राइट। तो एक प्रोफाइल आपकी हो गई। अब आपने सेकंड प्रोफाइल बनाई, वो आप क्या करें, अपनी फैमिली में से किसी के मोबाइल में फाइवर की ऐप इंस्टॉल करें और उस ऐप के ऊपर वो सेकंड प्रोफाइल जो है वो लॉगिन कर दें, ओके, और उसके ऊपर गिग्स बना दें, सारा सेटअप कर दें। अब उस जो आपने अपने भाई या बहन की मोबाइल के ऊपर आपने जो फाइवर प्रोफाइल है वो लॉगिन की है, उसका जो ईमेल है वो अपने ही मोबाइल के अंदर आप सेव कर लें, राइट। आप लॉगिन कर लें, जब भी कोई मैसेज आएगा, क्योंकि वो मोबाइल आपके पास हर टाइम तो रहने वाला नहीं है क्योंकि वो आपके भाई का है, तो आप क्या कर सकते हैं, वो ईमेल अपने मोबाइल के अंदर लॉगिन करें। जब भी कोई मैसेज आएगा उस प्रोफाइल के ऊपर तो आपको फौरन से ईमेल आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि यार उस प्रोफाइल के ऊपर मैसेज आया, तो आप अपने भाई से वो मोबाइल लेके और क्लाइंट से कम्युनिकेट कर सकते हैं फॉर अ वाइल।
तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे नज़दीक एक सिंपल सा मेथड है मल्टीपल प्रोफाइल्स के लिए, मल्टीपल डिवाइसेस चाहे, और डिफरेंट लोग RDPs कभी कहते हैं, लेकिन RDP कभी खुद डिसेबल हो जाती है, कभी उड़ जाती है। अगर आपको नहीं पता RDP क्या है तो आप इसको रहने दें, मज़ीद आप सर्च खुद कर सकते हैं, राइट। तो मेरे नज़दीक सिंपल सा मेथड ये है, इंटरनेट चाहे सेम हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिफरेंट डिवाइसेस डिफरेंट लैपटॉप्स सॉरी और डिफरेंट प्रोफाइल्स, एक प्रोफाइल एक डिवाइस, दैट्स ऑल, सिंपल एंड सेफ, कोई इशू नहीं आया 7 सालों के अंदर मुझे आज तक इस तरह के इस मेथड से। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि किस तरह से आप मल्टीपल प्रोफाइल बना सकते हैं और आपको क्यों बनानी चाहिए। तो कोई भी कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, और इसके अंदर हो सकता है आपकी प्रोफाइल उड़ भी जाए, मैं इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कह रहा, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बता रहा हूँ कि 7 सालों के अंदर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो आई होप आपको समझ आई होगी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, अल्लाह हाफिज़।